वेलकम दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है महाराष्ट्र के सरकार उद्धव ठाकरे की तरफ से। दोस्तों, अगर आप बकरीद में कुर्बानी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, नहीं तो आप कोई ना कोई भूल कर देंगे और किसी ना किसी गलती से ग्रस्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में ईद कुर्बानी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और महाराष्ट्र में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी रहते हैं। अगर हम बात करें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान की, तो यह लोग भी कुर्बानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी इस चीज का ख्याल रखना होगा और उद्धव ठाकरे की बातों पे चलना होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और उद्धव ठाकरे की बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस समय पूरे भारत कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में इस वक्त 2,67,000 से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, यह जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ यह 2 दिन पहले की आंकड़ा है और अब तक इससे भी ज्यादा आंकड़ा पहुँच चुका है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजीदगी के साथ ईद उल अजहा मनाइए। जी हाँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज को अदा कीजिए और ईद कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी के बारे में साफ कहा कि अगर हो सकता है तो कुर्बानी ऑनलाइन कीजिए और ईद कुर्बानी करने के बाद उसका मीट लोगों में तकसीम करते हुए यह बात का जरूर ख्याल रखिए। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो करके सबके घर में कोरोना पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने यह अपील करते हुए अपने महाराष्ट्र के और देशवासियों से यह कहा। आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज में अपने आप को एहतियात रखें और इस चीज से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह बीमारी ऐसा है जो एक दूसरे से फैलती चली जाती है। तो दोस्तों, इस समय सेलिब्रिटी को भी कुर्बानी करना एक मुश्किल का काम हो सकता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप उद्धव ठाकरे के बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।